हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमारा ब्लॉग है शॉपिंग से रिलेटेड। आज हम जाएंगे ईद की शॉपिंग करने और हमारी इफ्तार पार्टी है, हम वहाँ जाएंगे और आपको जाकर दिखाएंगे। और मैं नहीं बताऊंगा। सो अब हम आ चुके हैं इफ्तार पार्टी में। और ये क्या है? ये तो मांडे हैं, आई थिंक सो। और और ये हमारी भाभी कुर्ता बनाती है इस घंटे में। ये पकौड़े की तैयारी चल रही है और ये भी पकौड़ों की तैयारी है और ये कटलेस हैं और ये स्प्रिंग रोल की तैयारी है और ये पुदीना है और ये चिकन है, चिकन पॉकेट्स, ये पॉकेट की तैयारी है और नाइस और ये चिकन है जो मलाई बोटी है, बन चुकी है। अब उस पर कोयले का धुआं लग रहा है, ये पकोड़े बन रहे हैं और ये पकोड़ों का बैटर, ये अंडा, ये और ये क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये जो चिकन की मलाई बोटी बनाई थी उसके ये बने थे चिकन पॉकेट और ये बन गए हैं चिकन पॉकेट। इसके अंदर मलाई बोटी है, ये ब्रेड चिकन पॉकेट कहलाते हैं, इसका नाम ये है। और ये थे और पकोड़े, समोसे, कचौरी, रोल, समोसे और क्या कहता रू अफज़ा दूध वाला। और ये पोटैटो स्टिक थी और ये भी बहुत मज़े की थी, ये मैंने टेस्ट किया था। और ये था ब्रेड रोल, इसकी रेसिपी भी बहुत मज़े की थी और ये ख़ुद भी बहुत मज़े के थे। ये ब्रेड रोल मैं सेट करके रख रही थी और बस पकाते पकाते पता ही नहीं चलता कि कितनी देर हो जाती है बनते बनते। अफ्तार का टाइम भी हो जाता है और खाने जो है वो फ्राइंग होते रहते हैं। देखिए मैंने टेस्ट किया है ऐसे, ये बहुत ही मज़े का था, बहुत ज़्यादा मज़े का था। और ये मैंने अलग रख दिया था क्योंकि ये मेरा था और ये मुझे खाना था। सो ये रेडी हो गया, ये मैंने टेस्ट किया है ये देखे। और इसमें से बहुत तेज़ धुआँ निकल रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ये अभी अभी बना है बिल्कुल। ट्रोल कंट्रोल। और ये कचौरी थी, समझ रहे हो ना। और ये दस्तरखान लग चुका है और सब बिल्कुल खाने के लिए रेडी हैं। अफ्तार का वक्त खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड। और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने अपना पर्स ले लिया है और अब मैं शॉपिंग के लिए जाने के लिए रेडी हूँ। और अब हम आ गए मदनी मॉल और यहाँ से मुझे ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा था जो कि मैं लेने लगी और इसमें मेरा साइज़ भी था। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ये वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो ये आप नहीं लें। फिर मैं दूसरी जगह गई अपना, ये देखे मैं ड्रेस ढूंढते हुए मैं बहुत सारी जगह गई, मैं बिन साइड गई, जेड आउट गई, फिर फाइनली मुझे एक ड्रेस पसंद आया जो कि ये है ग्रीन कलर का। सो अब हम आ चुके हैं घर पर वापस, सारी शॉपिंग हो चुकी है और बस बहुत थक गई हूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। सैरी भी आज हमने अम्मी के घर पर करी और सारी शॉपिंग हो गई है, बहुत सारे सामान है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये शॉपिंग, वो शॉपिंग और ये मेरा है, मेरा सूट देख ले आप लोग। देखिए ये है सारी शॉपिंग, ये और ये सारी शॉपिंग है। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी शॉपिंग और फिर आपको बताऊंगी, बहुत थक गई हूँ अभी तो। मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ क्या टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6:15 और हम अभी अभी आए हैं, ये सारी शॉपिंग चले। सो अब मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ अपनी ईद की शॉपिंग, आप मुझे देख के ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी हसन के कपड़े जो मैंने लिए थे,
हसन के लिए मैंने लिए थे, हसन के मैंने बहुत सारे कपड़े लिए थे। हसन के ही सबसे पहले ये शलवार कमीज़ लिया था पहली ईद के लिए, और इसके साथ ही मैंने पेशावरी चप्पल भी ली है जो कि बहुत ही क्यूट लग रही है। और मैंने इसकी ये शर्ट ली थी, ये शर्ट मैंने अलग ली थी, इसका ये पजामा जो है ये रेड रेड टाइप का था तो ये भी मैंने अलग ही लिया था, ये ब्लू कलर का है वैसे तो, ये भी मैंने अलग अलग लिए थे दोनों। और ये भी मैंने लिया था, ये भी हसन का है, ये शर्ट मुझे बहुत क्यूट लग रही थी फिर मैंने ये हसन के लिए ली थी। ये भी हसन का है, ये भी बहुत प्यारी है, ब्लैक कलर की शर्ट है पर ये ब्लू ब्लू सा शर्ट आ रहा है इसमें, लेकिन ये है ब्लैक। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये मैंने हसन के लिए ली है। इसके बाद ये है हुरैन का, ये हुरैन का ड्रेस है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने हुरैन के लिए लिया था। ये देखें, ये हुरैन का है, ये शॉर्ट है, नीचे से कैप्री टाइप का है ये। इंशाल्लाह जब मैं वेयर करूँगी इनको पहनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये हुरैन का है, ये है अनाबिया का, ये फ्रॉक है, उसके नीचे है जीन्स, ये भी मैं जब पहनाऊँगी अनाबिया को तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। ये देखें इसकी ये जीन्स है, ये बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट कपड़े इनके बच्चों के। और ये तो मैंने ऐसी बस ले ली थी शर्ट अनाबिया के लिए, इसके साथ मैंने ब्लैक कलर का टाइट्स लिया था जो कि सबसे ऊपर आपने देखा होगा पहले रखा हुआ था। और ये आमना की है, ये भी बहुत प्यारी फ्रॉक थी, इसके साथ छोटा सा शॉर्ट था, हैट था, ये मैंने आमना के लिए लिया है। उसके बाद ये मैंने हसन की पैंटें हैं दो, ये भी पैंट है हसन की, और ये भी हसन की पैंट है आगे से, ये बैक साइड। उसके बाद ये आमना का ड्रेस है, ये आमना का एक और है, वैसे तो आमना के और रखे हुए थे लेकिन मैंने फिर भी इसके दो सूट ले लिए नए, ये इसके बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला था। और ये बैग मेरा है, ये मैंने डाइनर से अपने कपड़े लिए थे, और ये बैग और ये कपड़े मेरे हैं, ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, ठीक है। मैं अपने कपड़े थोड़ा सा दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल पहले बच्चों की शो करा दूँ। ये हसन की पेशावरी जो मैंने आपको अभी कहा था, हसन की मैंने छोटी छोटी पेशावरी चप्पल ली है तो ये वो है हसन की, बहुत ही क्यूट लग रही थी, इंशाल्लाह मैं पहनाऊँगी आपको फिर दिखाऊँगी। उसके बाद ये है अनाबिया के शूज़, ये अनाबिया के शूज़ है, ये देखिए ये भी बहुत क्यूट थे, पिंक कलर के, पिंक और वाइट का कंट्रास्ट, और ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत इनका जो सोल है ना बहुत सॉफ्ट है, मैं सॉफ्ट देख के लेती हूँ हमेशा ताकि बच्चों के पैरों में दर्द ना हो, क्योंकि हार्ड जो होता है ना उससे बच्चों से चला नहीं जाता, पैरों में दर्द होता है। और ये आमना की है, ये मैं जब खोलूँगी ना इसे फिर दिखाऊँगी आपको। इसके बाद ये मेरी चप्पलों का डब्बा है जो कि मैं अभी नहीं दिखाऊँगी, जब मैं पहनूँगी तो आपको दिखाऊँगी। ये मेरे दो ड्रेसेस हैं इसके अंदर, और एक जो मैंने तवक्कल का लिया है ये वाला, और एक ये है, तो मेरे हो गए कितने, तीन सूट हो गए, और इसमें एक है तो वो दो, ये मैं अभी नहीं दिखाऊंगी पर बाद में दिखाऊंगी। उसके बाद बारी है ज्वेलरी की, ये मैंने लिया था अराबिया के लिए, ये बहुत क्यूट लग रहे थे क्लिप तो मैंने ये ले लिए थे, अराबिया के क्लिप है। और ये मेरी बैंगल्स, ये मेरी है, बैंगल्स मेरी हैं, और ये क्लिप भी मेरे हैं। उसके बाद ये एयरिंग्स हैं, ये भी बड़े प्यारे थे, बहुत सॉबर से लाइट वेट, ये मेरे हैं, ये तो मैं लेती रहती हूँ बस चलते फिरते ना, मुझे एयरिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं लेती रहती हूँ चलते फिरते। और ये मैंने बोला मैं बाद में रखूँगी। और एक और ये वाले भी है, जो ये तो मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, ऐसे तो नज़र नहीं आएंगे, ये देख रहे हो
उसके बाद मैंने परफ्यूम भी लिया था, इसमें से मैं आपको दिखा देती हूँ डायनर्स वाले में से। अब ये मेरा डायनर का ड्रेस है जो मैंने कहा था ना, उसमें दो रखे हैं मेरा। ये देखें, ये इसका कैटलॉग है और ये ड्रेस मैंने स्टिच हुआ हुआ है। ये मेरा ड्रेस ये देखें, बहुत अच्छा स्टिच हुआ हुआ है, ये बहुत प्यारा है डायनर्स का। ये देखें, ये इसका दुपट्टा है। जब मैं पहनूंगी ना तो आपको दिखाऊंगी, मैं आपको शेयर करूंगी। ये देखें, ये इसकी शलवार है। ये स्टिच हुआ हुआ है ड्रेस मेरा। परफ्यूम दूसरा वाला जो मेरा ये ड्रेस है, ये अनस्टिच है, ये अभी स्टिच नहीं हुआ, तो जब ये होगा तो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। कैसी लगी आपको मेरी ईद की शॉपिंग, ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे फीडबैक कीजिएगा। ये देखिए, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। दूरी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए।